तो वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर हिमाचल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तथ्यों को छुपाने के लिए जांच में देरी की जा रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले में जल्द जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से यह लगाया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि तथ्यों को छुपाने की वजह से सीबीआई जांच में देरी की जा रही है। ये बहुत बड़ा एक कांड हमारे सामने आया जो भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है और हमने सीबीआई की जांच की मांग की है और न जाने क्यों इसमें ये लोग देरी कर रहे हैं। शायद कुछ तथ्य को छुपाने के लिए ये देर की जा रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और जो दोषी है उनको सजा हो और पानी और दूध का दूध इसमें सामने आए, इसलिए हम इसकी ये जांच करवाना चाहते थे। हमें लोगों के बीच में बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या काम सरकार के द्वारा किए गए। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र में, सड़क, बिजली, पानी, सभी कांग्रेस सरकार की देन है। तो विकास के नाम पर और इन कामों के नाम पर ही हमने सदा जनता के दरबार में जाकर ये अपील की है कि आपको ये निर्णय करना होगा कि किसको आपको वोट देनी है। जो एक तरफ वो सरकारें हैं जो सदा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर। और हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश। मुकेश जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी। मुकेश जी, जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, उस दिन आपसे मेरी बात भी हुई थी और उसी दिन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की बात कह दी थी कि हम करा रहे हैं। अब आप लोगों की तरफ से फिर से कहा जा रहा है कि इस मामले में देरी की वजह से मामलों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है तथ्यों को छुपाने की, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब सीबीआई जांच का भी ऐलान हो चुका है। नहीं देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का आज की बात सुन रहा था जी। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, जरा भाषणों में ये पेपर लीक के बारे में बोले ना दुनिया में, जब मंच पे जाते हैं तब जरा बात रखें कि 2 लाख लोगों का भविष्य हमने उजाड़ दिया, 75,000 लोगों ने रिटर्न परीक्षा दी और 26,000 लोग क्वालिफाई किए, उनका जो स्थितियां पैदा हुई हैं, सार्वजनिक मंचों से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दी, ये एक सत्यता है कि मुख्यमंत्री जी ने मामले को दबाने की कोशिश की। अच्छा, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज ना हो, उसके लिए ऑफिसर्स प्रेशराइज किए गए, पुलिस द्वारा भी किए गए, मुख्यमंत्री द्वारा भी किए गए। लेकिन जो सर आपकी मांग थी सीबीआई जांच हो, वो तो अब हो रही है ना? नहीं देखिए, हमने कहा कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट मॉनिटर्ड हो, अदालत का उस पर जो है नजर होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पहले कुछ ऐसे मसले हो चुके हैं जिसमें कि क्लोजर रिपोर्ट्स वगैरह हुई हैं, तो हम एक टाइम बाउंड मसला हो जाएगा अगर हाई कोर्ट मॉनिटर्ड होगी, क्योंकि ये मसला जो है बहुत बड़े खिलवाड़ का है। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा, ये सौदेबाजी और सिफारिश सिर्फ दो ही काम है जयराम सरकार। लेकिन आप पर एक आरोप ये भी लगाया है मुख्यमंत्री ने कि आप लोगों को, कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इस मामले पर बोलने का, कांग्रेस के कार्यकाल में चिटों से भर्तियां होती थी। देखो, अगर कोई भर्ती होती थी तो मुख्यमंत्री जांच करा ले, 4.5 साल में राज में बैठे हुए हैं। आप जो है ऐसी बातें करके जो है मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। आप जयराम जी के शासन में 2 पुलिस भर्तियां हुई, 2020 की भर्ती विवादित हो गई, 2020 में भी पैसा चला, लोग पकड़े गए, सॉल्वर पकड़े गए, अंदर लोग इक्विपमेंट लगा के बैठे हुए थे और पेपर हल कर रहे थे। दूसरा पेपर आया, सेकंड में तो खैर पेपर ही नीलाम हो गया जिसमें सैकड़ों लोगों को पेपर मिल गया, सैकड़ों के हजारों को ही मिल गया। ये तय हो गया कि पेपर 6 से 8 लाख रुपए के बीच में बिका। हमारा ये है कि मुख्यमंत्री कभी भी नहीं चाहते थे कि इसकी जांच हो, और पुलिस का मामला और पुलिस को ही जांच को दे दिया। जिन लोगों ने पेपर सेट किए थे उन्हीं लोगों को SIT में डाल दिया ताकि जल्दी से इसको दफन किया जा सके और द्वारा से पर्चा करवा के सारा जो है लिपा पोती कर दी जाए। ये तो विपक्ष जो है सामने है और हम प्रदेश के बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर की जा रही है। सीबीआई जांच हो रही है मामले में, अब तो जरूरत भी नहीं इन तमाम चीजों की। देखो सीबीआई जांच तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मुख्यमंत्री आज भी जो है एसआईटी की तारीफ कर रहे हैं। आप बताएं एसआईटी की, उस एसआईटी की आप तारीफ कर रहे हैं जिसने ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि पेपर बेचा किसने। वो तो इस बात पे लगे हुए थे कि पेपर खरीदा किसने, खरीदने वालों को जो है वो पकड़ सकते जेल में डाल रहे थे। और जबकि हमारा ये कहना था कि पेपर बेचा किसने, बेचने वाले जो है पेपर तो पुलिस हेडक्वार्टर से ही बिका होगा, गया होगा बाहर। जब आप ने पेपर सेट आपने किया, पेपर प्रिंट आपने करवाया, पेपर के कस्टोडियन आप थे, आगे पेपर आप लेके गए। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है कि पुलिस की सुरक्षा में सारा काम हो और पुलिस का अपना पेपर जो है इस ढंग से बाहर निकल जाए, ये तो नीलामी है। अब आखिर में बहुत संक्षेप में, अब आपकी कौन सी मांग है? सीबीआई जांच की बात आ गई है, अब आप और क्या चाहते हैं? देखो हम सीधे हमारी मांग तो सीधी सीधी है, मुख्यमंत्री नैतिक अधिकार खो चुके हैं सत्ता में बने रहने का, उनको अपना पद छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते। लगातार जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष, और उनका ये कहना है कि जो देरी की जा रही है या सीबीआई जांच की मांग है वो हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में होना चाहिए।